स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 9 को लेकर के, जो कि आपका विज्ञान विषय से संबंधित है और आज का प्रकरण है हमारा जीवों में अनुकूलन। इसके पिछले वीडियो की बात की जाए तो हमने पाठ योजना संख्या 1 से 8 तक की बात की थी, जो कि आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर के लिए थे। ठीक है, तो अगर आप डीएलएड 4 सेमेस्टर में हैं और आप अपने लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे डीएलएड 4 सेमेस्टर के लेसन प्लान, आपको 1-20 लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिसे देख करके आप अपने टीचिंग के लिए लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान नंबर यानी जो नंबरिंग है वो आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद आप डेट डालेंगे, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालेगा, आप डेट कॉपी मत करिएगा। कक्षा की बात है तो कक्षा 6 है। चक्र की बात की जाए यानी पीरियड, ये आपका सेकंड पड़ा है, आप चाहे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चाहे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अवधि यानी टाइम पीरियड की बात की जाए, ये भी आप 30-45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही चीजें कॉपी कर सकते हैं दिनांक को छोड़ करके। विषय की बात की जाए, विषय है आपका विज्ञान और विज्ञान विषय से आज का हमारा टॉपिक है जीवों में अनुकूलन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। तो सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए, इसमें आप विषय से संबंधित सामान्य जानकारियां बच्चों को देंगे, जैसे कि इसमें दिया है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा पॉइंट है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, चौथा पॉइंट है दैनिक जीवन में छात्रों को विज्ञान विषय का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। आप पांचवा भी डाल सकते हैं, छात्रों में विषय विषयक उद्देश्यों की क्षमता उत्पन्न करना। तो इस तरह के पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं सामान्य उद्देश्यों के लिए, जो कि आपके विज्ञान विषय से संबंधित होंगे। आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को, जैसे कि इसमें दिया है छात्रों को जीवों में अनुकूलन नामक पाठ का अध्ययन कराते हुए उसके महत्व का ज्ञान प्रदान करना। आप चाहें तो इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, छात्रों को जीवों में अनुकूलन नामक पाठ का अध्ययन कराते हुए उनकी प्रायोगिक क्षमता का विकास करना। तो इस तरह के पॉइंट भी आप बना के लिख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे सहायक सामग्री यानी टीएलएम। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करेंगे, जैसे आपने पाठ से संबंधित चार्ट यूज किया है, ठीक है, चित्र यूज किया है, कोई मॉडल हो गया, श्यामपट का उपयोग किया, चौक डस्टर और साथ ही लपेट श्यामपट पॉइंटर, तो इन चीजों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं टीएलएम में तो आप दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्र या छात्राओं को टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो, इसमें आप लिखेंगे छात्र जल एवं स्थल पर रहने वाले जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, जो उन्हें पता है। फिर आगे हम देखेंगे इसी में प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए, इसमें आप टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों से कुछ संभावित प्रश्न पूछते हैं और अगर बच्चे उनका संभावित उत्तर देते जाते हैं तो आप प्रश्न करते जाएंगे जब तक कि समस्यात्मक प्रश्न ना आ जाए। लगभग समस्यात्मक प्रश्नों की बात की जाए तो आप 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं, वहां तक कि आपका समस्यात्मक प्रश्न आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। इसमें आप बच्चों से पहला प्रश्न करेंगे, छात्रों मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, बच्चे कहेंगे वह मर जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, मछली क्यों मर जाएगी, बच्चे कहेंगे क्योंकि वह सांस नहीं ले पाएगी। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, सांस क्यों नहीं ले पाएगी, बच्चे कहेंगे क्योंकि वह पानी में ही अनुकूलन कर सकती है। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे, छात्रों जीवों के अनुकूलन के बारे में आप और क्या जानते हो, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा और यहीं से आप उद्देश्य कथन बनाएंगे। उद्देश्य कथन की बात की जाए तो इसमें आप लिखेंगे, छात्रों आज हम जीवों में अनुकूलन नामक पाठ का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो आपका उद्देश्य कथन आएगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप पूरे टॉपिक को शुरू करेंगे, टॉपिक के लिए आप विकासात्मक प्रश्न भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरे टॉपिक को ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। इसमें आप टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसमें आप लिखेंगे मछली को जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी दशाएं जल में प्राप्त हो जाती हैं,
छात्र कथन में छात्र जो इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आगे हम देखेंगे इसी में। फिर आगे है, परंतु जल से बाहर नहीं और वह मर जाती है, मतलब जल में ही मछलियों को अनुकूलन की व्यवस्था है, जल से बाहर नहीं, ठीक है, क्योंकि जल से बाहर अगर वो आएंगी तो वह मर जाएंगी। इन्हीं उपयुक्त दशाओं द्वारा पर्यावरण के अनुसार जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे जीवों में अनुकूलन या अनुकूलन कहते हैं। जीवों में अनुकूलन या अनुकूलन कहेंगे। प्रत्येक जीवधारी एक विशिष्ट प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे जलीय पर्यावरण या वातावरण, दूसरा है स्थलीय और तीसरा है वायु या वायवी। इसी आधार पर जंतु तथा पेड़ पौधे जलीय, स्थलीय, उभयचर या वायवी होते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रकार बताया, उसके बाद आप चाहें तो प्रकार को डिफाइन कर दें या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जलीय अनुकूलन, इसमें आप बताएंगे इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं, जैसे जल क्लोम, तैरने के लिए शरीर धारा रेखित होता है, उदाहरण में जैसे मछली, मगरमच्छ, ठीक है, मेंढक आदि। उसके बाद स्थलीय अनुकूलन में जंतु जैसे बिल्ली, गाय, शेर में प्रचलन के लिए चार पाद यानी पैर, सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है। तो ये बात हो गई स्थलीय अनुकूलन के बारे में। उसके बाद आप बताएंगे वायवीय अनुकूलन, इसमें आप लिखेंगे इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित, आगे देखेंगे धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को अनुकूलन के प्रकार में बताएंगे। उसके बाद आप करेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें आप पहला प्रश्न बच्चों से करेंगे, छात्रों अनुकूलन कितने प्रकार का होता है? बच्चे बताएंगे तीन प्रकार का, जैसे जलीय, स्थलीय और वायवीय, ठीक है। इस तरह से आप दूसरा प्रश्न कर लीजिएगा, मछली जल में श्वास किसकी सहायता से लेती है? बच्चे बताएंगे गिल्स द्वारा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, तितली, कीटों, मधुमक्खी आदि में अनुकूलन किस प्रकार से होता है? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। फिर से इस पर आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे इन कीटों का शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का होता है। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं, श्वास हेतु रंध्रों की सहायता से हवा भरती है व निकालती है। तो इस तरह से आप कीटों के बारे में भी बच्चों को बताएंगे और इस तरह से आप स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। और मिनिएचर या स्ट्रक्चर या डायग्राम की बात की जाए तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, कुछ डायग्राम मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो कि आपके जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन और वायवी अनुकूलन के लिए आप बना सकते हैं। इन्हें आप अपने लेसन प्लान की कॉपी में चिपकाएंगे। तो आप देख लीजिए, ये मछली का चित्र हो गया, कई सारे चित्र है यहाँ पर, ये देख सकते हैं स्थलीय अनुकूलन के लिए, ठीक है। तो आप इन चित्रों को देख लीजिए, आप चाहें तो इन्हें इंटरनेट से निकलवा करके और इन्हें काट करके आराम से अपनी फाइल में चिपकाइएगा, या फिर आपको ये डायग्राम क्लासिक्स की जो गवर्नमेंट की बुक होगी उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनकी फोटो खींच करके भी निकलवा के लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई प्रस्तुतीकरण प्रश्नों को लेकर के। आगे हम देखेंगे इसमें बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। बोध प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आया है, इसके लिए आप प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, अनुकूलन के प्रकार लिखिए। बच्चों ने बताया अनुकूलन तीन प्रकार से होता है, जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन और वायवीय अनुकूलन। फिर आप दूसरा प्रश्न इसमें बच्चों से करेंगे, फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे जलीय अनुकूलन का उदाहरण है। बच्चे बताएंगे मछली, मेंढक, सिंघाड़ा, हाइड्रिला आदि, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे श्यामपटकार यानी ब्लैक बोर्ड वर्क की। ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीजें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न कर लीजिएगा, अनुकूलन के प्रकार पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्यों की बात की जाए, इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब छात्र या छात्राएं श्यामपटकार अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे। इसमें आप लिखेंगे जब छात्र श्यामपटकार अपनी नोट पुस्तिका में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कक्षा कक्ष का निरीक्षण करते हुए उनकी सहायता प्रदान करेंगे या करेंगी। तो यहाँ पर बात हो गई निरीक्षण कार्यों को लेकर की। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न यानी जिसे आप रिवीजन वर्क या अभ्यास कार्य कहते हैं। इसमें आप पूरे टॉपिक का क्लास में ही रिवीजन करवाएंगे। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। दूसरा प्रश्न है, जल, स्थल, चर दो पक्षियों के नाम बताइए। तो
तो ये हो गया आपका रिवीजन वर्क, जिसे आप बच्चों को क्लास में करवाएंगे। लास्ट में आएगा आपका गृह कार्य, यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं सही गलत मिलान, प्रश्नोत्तर दे सकते हैं, टिप्पणी दे सकते हैं, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दे सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है सही मिलान कीजिए, तो आप मैच दी फॉलोइंग भी दे सकते हैं। इसमें दिया है श्वसन तंत्र, जल क्लोम, वायु कोश, हाइड्रिला, ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ आप मैच करने को देंगे मछली, बिल्ली, जली पौधा, पक्षी, ठीक है। तो इस तरह से आप होमवर्क देंगे बच्चों को और बच्चे इसे घर से करके लाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी पाठ योजना संख्या 9 थी वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट में आप ऐसे ही साइन करवाएंगे अपने टीचर से, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 10 को लेकर के, जो कि आपका कृषि विज्ञान विषय से संबंधित रहेगा और जो प्रकरण रहेगा वो है प्राकृतिक आपदाएं। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विस्वाती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट के द्वारा आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.